नमस्कार दोस्तों, गर्मी जैसे ही आती है, मतलब गर्मी जैसे ही शुरू होती है, तो लोगों के मन में एक ही प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की इच्छा रहती है कि मच्छरों को अपने लाफ्ट में, अपने दड़बे में आने से कैसे रोकें, मच्छरों को कौन से उपाय से भगाएं, और अगर मच्छर आए ही नहीं तो कितना अच्छा होगा। कबूतरों को मच्छरों से बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है और बच्चे जाया हो जाते हैं, भाई बच्चे मर जाते हैं मच्छरों की वजह से। तो मच्छरों को आने से कैसे रोकें, क्या उपाय करें कि मच्छर अपने दड़बे में नहीं आए और हमें कोई झंझट नहीं हो, न तो चेचक माता फुंसी फोड़े वगैरह, तो इनके लिए क्या करें। भाई मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ जो कि मैं ट्राई करता हूँ। जिस दिन मैं वो ट्राई नहीं करता उस दिन मेरे यहाँ मच्छर बहुत सारे आते हैं। जब मैं वो करता हूँ, जब मेरे यहाँ मच्छर इक्का दुक्का ही मिलते हैं और मैंने बहुत बार ये देखा है, तो वो उपाय मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब भाई कल की बात है, कल मैंने अपने दड़बे में शाम को अगरबत्ती लगाने आया। मेरी रोज के आदत है, शाम के 7-7:30 बजे मैं कबूतरों के लाफ्ट में अगरबत्ती लगा देता हूँ मच्छर वाली, ताकि कबूतर मच्छरों से सुरक्षित रहे रात भर, नो टेंशन रहे। तो भाई कल क्या हुआ, मैं जैसे ही दड़बे में घुसा तो मुझे भाई मच्छर एक भी नहीं दिखा। मतलब ढूंढा मैंने मोबाइल की टॉर्च से कि मच्छर है कहाँ, मच्छर एक भी नहीं दिखा मुझे। अब परसों रात को आया था तो मच्छर ऐसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह भिनभिना रहे थे, और उससे भाई कबूतर के बच्चों को चोंच पे, आँख पे कहीं काट लेते हैं मच्छर, और बड़े बड़े फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जो कि दवाई करते करते भी कबूतर के बच्चे मर जाते हैं। तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए मेरे को रोज़ अगरबत्ती लगाना ही पड़ता है। अब परसों रात को मैंने देखा तो बरोबर मच्छर भिनभिना रहे थे, कल मैंने देखा शाम को तो मच्छर नहीं थे। अब उसका कारण क्या है, वो मच्छर कहाँ चले गए, और अगर चले गए तो वापस आए क्यों नहीं, क्योंकि रोज अगरबत्ती लगती है, दूसरे दिन रोज तैनात हो जाते हैं वो। तो आखिर क्या कारण है कि मच्छर वापस आए ही नहीं। तो भाई उसका कारण ये है कि आप अगर आपके दड़बे में गंदगी रखते हैं, बीटों का ढेर रखते हैं, परवर पड़े रहते हैं, गीली बीट रहती है, ठीक है भाई, तो आपके कबूतर के दड़बे में मच्छर ही मच्छर होंगे, मच्छर ही मच्छर होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना भाई, गंदगी, ये गंदगी जो है ये मच्छरों को इनवाइट करती, इसी में तो पनपते हैं वो, इसी में अपने अंडे मतलब लार्वा छोड़ते हैं, और इसी में फिर वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और फिर एक के अनेक होते हैं। तो भाई मच्छर की ज़्यादा उम्र तो होती नहीं है, 4-5 दिन की मच्छर की उम्र होती है, उसी में सब कुछ कर लेता है वो अंडे बच्चे। तो आप ना मच्छरों को सीरियसली ले, अपने दड़बे की साफ़ सफाई करें, क्योंकि मैं 3 दिन में साफ़ सफाई करता, मैं सोचता ज़्यादा गंदा तो हुआ नहीं है, तो 3 दिन में साफ सफाई करता था। अब मैंने कल साफ सफाई किया, परसों मैं नहीं किया था, तो परसों मुझे मच्छर बहुत सारे दिखे, और कल मैंने साफ सफाई किया, शाम को मच्छर एक भी नहीं दिखा। तो भाई उससे क्या होता है, आपको बरोबर रिजल्ट मिलेगा, हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलेगा, और आपको मच्छरों से अगर अपने कबूतरों को बचाना है तो बरोबर साफ़ सफाई करें, और साफ़ सफाई करने के बाद में मच्छरों को कहीं बैठने का कहीं चांस ही नहीं मिलेगा, गंदगी मिलेगी नहीं, तो मच्छर पनपेंगे कहाँ से, आपके कबूतर सुरक्षित रहेंगे, आपको दवाई दारू का खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा, टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगी। तो भाई मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप साफ़ सफाई कर दे। कितना टाइम लगता है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं, एक पत्ता ले ले, झाड़ू ले ले, भाई मेरे पास सब सुविधा मिलेगी, मैं पत्ता भी रखता हूँ, अच्छा खुरेच लेता हूँ। तो भाई मेरी यही आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है, आप अपने कबूतरों के साथ अगर प्यार करते हो उनसे, तो उनके आसपास जो भी पेटी खाने सब बरोबर प्रॉपर तरीके से साफ कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।